अस्सलाम वालेकुम, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं बताऊंगी गोश्त का हल्का शेरवा की रेसिपी। तो चलिए शुरू करेंगे। देखिए, मैं सबसे पहले मसाला ली हूँ, प्याज, लहसुन, अदरक, कोथिमीर, लौंग, चकला, काले मिर्चा और खोपरा पंडू। ये सब मसाला जार में डाल के मसाला पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बना के रख लेना है। देखिए, अब हम इसमें पंडू भी ऐड करके पीस लेना है। देखिए, हमारा पेस्ट अब रेडी है। देखिए, कुकर गर्म हो चुका है। अब उसमें मैं तेल ऐड कर रही हूँ, उसमें प्याज डाल रही हूँ। थोड़ा ब्राउन तक भून लेना है। देखिए, अब वो पेस्ट बना के रख ली थी ना मसाला, वो डाल रही हूँ मैं, डाल के भून लेना है। अच्छा सा भून लेना है। अब हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे और लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, करके मसाले के साथ अच्छा सा भून लेना है। मसाले की कच्ची बस गई तक भून लेना है। देखिए, अब हल्के पीसेस ऐड करेंगे। देखिए, मैं ऐसा पतले पीसेस कट करके रख ली हूँ। आप चाहे तो गोश्त भी ऐड कर सकते हैं, आपकी पसंद। ऐड करके मसाले के साथ अच्छा सा भून लेना है, गोश्त में पानी छूटे तक। भून लेने के बाद अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। अच्छा सा भून लेना है, मिक्स कर लेना है। गोश्त में पानी छूटे तक 2 मिनट पकाना है, ऐसा ही खुला। देखिए, पका लिया है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे अपने हिसाब से। ज़ीरा राइस, सादा राइस, रोटी के साथ, सबके साथ भी ये शेरवा अच्छा लगता है, सबके साथ खा सकते हैं। अब हम कुकर को ढक के 3-4 विजल तक पका लेना है। तीन चार विजल के बाद अब हम इसे ओपन कर लेंगे। देखिए, अच्छा सा पक चुका है, अच्छा कलर आ चुका है उसमें। देखिए, सर्व करने के लिए तैयार है, सर्व कर रही हूँ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।